हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री सीमेंट के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 24 जनवरी 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले श्री सीमेंट में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन मतलब यहाँ पे मंडे के दिन स्टॉक में हमें 5.67% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। क्लोजिंग यहाँ पे 23037.05 है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हमें जरूर वॉल्यूम देखने, कैंडल बहुत ही बड़ी बनी है और नीचे के साइड में ऊपर के साइड में छोटी छोटी एक तरह से विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, 40-41 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मूवमेंट के बाद पॉजिटिव साइड का यानी कि मूवमेंट हमें देखने मिला। स्टॉक हमें 22757 के आसपास आते हुए देखने मिलेगा। फिर उसके बाद जब वापस से स्टॉक में रिवर्सल आएगा, रिवर्सल में स्टॉक 23128 के आसपास अगर उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में अपसाइड मूव जो है वो 23515 के आसपास देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो इंट्राडे में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ही ग्रैब करें क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी तो स्टॉक कभी भी आपको 23968 के ऊपर अगर दो दिन तक जो सस्टेन करते हुए देखने मिले तो जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का ईजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। अगर मूवमेंट स्लो हुआ तो, अगर फास्ट मूवमेंट हुआ तो 5 डेज के अंदर भी आपको देखने मिल सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करने तो करंट प्राइस में मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा स्टॉक को आराम से गिरने दे। स्टॉक कभी भी आपको 21189 के आसपास जो स्टॉक गिरते हुए या उसके आसपास आते हुए देखने मिले तो जरूर आप वहां पे बाइंग करें। लेकिन याद रखें इस लेवल पे आपको जो सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है इस स्टॉक में उसका सिर्फ और सिर्फ 20-25% इस लेवल पर डाले। फिर कभी भी 10-20% का डाउनफॉल है तो वहां पे आप एडिशनल बाइंग जो कर सकते हैं। एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा यहाँ पे अपने एवरेज प्राइस को जो कम करने, तो जितना एवरेज प्राइस जो आपका कम होगा उतना ही जो आपको वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई देखने मिलेगी। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एवरेज प्राइस, जितना कम हो उतना अच्छा है। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस एज सच जो यहाँ पे मार्क्ड है तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23037 के आसपास यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 23027 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 23178 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हो जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख लें। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए
या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रही जोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रही जोन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 22867 का, उसके बाद कहता है 22753 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 23309 का, उसके बाद कहता है 23499 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जाए एक पॉजिटिव क्लोजिंग का एक्सपेक्टेड है। 23178 से लेकर 23309 के रेंज में हमें क्लोजिंग देखने मिले, बाकी थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें देखने मिल गई तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर के साइड में आ सकता है, लेकिन ओवरऑल कल के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग हमें जरूर एक्सपेक्टेड है। बाकी फिर यहाँ पे लेकिन गैप डाउन ओपनिंग है तो इस रेंज में पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाएगा, इस रेंज में थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा आना, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस कल के लिए इस रेंज में हमारी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।